गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम जो है नारी शक्ति वेस्ट यंग यूनिट जो है कल से 72 आवर्स बंद कॉल डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि ईटानगर के सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने, सोल दोदुम सर लोगों ने और ईटानगर के नारी शक्ति टीम ने जो बंद कॉल डिक्लेयर किया, हम उसे सपोर्ट करते हुए कल से सुबह 5 बजे से लेके 12 तारीख तक हम जो है 3 दिन का बंद कॉल 72 आवर्स बंद कॉल डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसमें इसे डिटेल में तो आप सबको मालूम ही है, सोल दोदुम सर ने सब बताया है, जो APPSC फियास्को को लेकर, उसके बाद लेट टू मी गंगा सर का जस्टिस के लिए हम जो है ये बंद कॉल डिक्लेयर कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो है, सोल दोदुम सर और तमर सर को जो पुलिस ने जो अरेस्ट किया है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, वरना ये कॉल जो है इंडिफिनिट भी जा सकता है। और हमारा ये बंद कॉल में जो एग्जम्प्टेड है, इमरजेंसी मेडिकल केस, मिल्क वैन, आर्मी ग्रीफ जो है एग्जम्प्टेड है, बाकी बंद कॉल पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आप सिंसियरली ये बंद कॉल को हमारा साथ दीजिए और ये बंद कॉल को सक्सेस कराइए। धन्यवाद। सभी हमारा अरुणाचल वासियों को नमस्कार। और मैं मीडिया में भी बार बार आना नहीं चाहती, फिर भी मजबूरन आना पड़ रहा है। तो क्यों बोलने से, ईटानगर से जो हमारा ये नारी शक्ति अरुणाचल प्रदेश का तेली यमंग मैडम ने और हमारा चेयरपर्सन निमी ताबा मैडम और हमारा सेक्रेटरी जनरल हमारा कीपा चंपा मैडम, उन सब ने सोल दोदुम सब मिल के जो बंद कॉल किया है उसको हम लोग भी साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में होना है बोला है। तो इसलिए हम लोग वेस्ट सियांग का तरफ से हम लोग भी आज ये ऐलान कर रहे हैं कि बंद कॉल होना है। तो इसी बात को लेके हम लोग जब ये पेपर लीकेज का बारे में, पेपर सेल का बारे में हम लोगों ने जब पीसफुल रैली किया था, उसमें इतना आलो था उनका, सेक्टर सेक्टर का आज जमगा दई उमेन लोग इतना सपोर्ट किया है और गांव गांव से दौलू दौलू लोग कही आज जम अदब सपोर्ट लाई एम बिन में हिलोंगो नारू रिक्वेस्ट दंग नाई गो कोक आलो टाउन वेस्ट सियांग आज जमगा दम नारू अही मदम हिला जुका रिक्वेस्ट दंग नाई। तो क्यों बोलने से, आप सब साथ दीजिए, ये अमीर और गरीब का लड़ाई हो गया, क्योंकि अमीर लोग जिसका पास पैसा है उन लोग पैसा से खरीद के बच्चा लोग का पेपर खरीद के उसका बच्चा लोग पढ़ो या ना पढ़ो सर्विस तो मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो गरीब बच्चा है, जो माँ बाप लोग पहले भी हमने बोला है जो साल में महीना भर में 1000 रुपया भी नहीं कमा सकता है, उसका बच्चा लोग कैसे करके पेपर हम लोग कैसे खरीद सकेगा, 50-60 लाख हम लोग का पास कैसे आएगा। इसलिए आज ये देख रहा है कि इसमें अमीर और गरीब का लड़ाई है, इसलिए हम जितना मीडियम वर्ग का लोग है हम लोग सब एक साथ होना है। और मार्केट का हम ये दुकानदार लोग को भी ये विनती कर रहे हैं कि आप सब भी साथ दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो 144 जो डिक्लेयर किया है क्यों किया है, और हमारा चीफ मिनिस्टर हम लोग का अरुणाचल का पिता श्री पेमा कांडू भी ये बोलता है कि कल का वीडियो ब्रीफिंग में बोला है कि ये जो इसका 13 पॉइंट डिमांड को हम लोग देख रहा है, बोला आज तो कहाँ देख रहा है, कहाँ तक तो अपडेट हुआ है, और CBI ED को बुलाया बोला उन लोग क्या काम कर रहा है, तो बंद कॉल आप ही लोग करा रहे हैं ना, हम लोग अपना से नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट आप ही करा रहा है बंद कॉल को, हमारा पब्लिक का डिमांड को नहीं मान के कितना धरना हुआ है, कल बोलता है कि धरना करो, धरना कितना बार किया है, पीसफुल रैली कितना बार किया है, आप लोग का कान में हम लोग का आवाज़ पहुँचता ही नहीं, इसलिए आज ये बंद कॉल डिक्लेयर किया है, इसको भी करा रहा है आप लोग किस लिए मर्डर को नहीं पकड़ के, पेपर बेचने वाला को अरेस्ट नहीं करके सोल दोदुम को क्यों अरेस्ट किया, ये तमर को क्यों अरेस्ट किया, उसको आप जैसे भी आज का दिन में आप लोग उसको रिलीज करना पड़ेगा, क्यों बोलने से पब्लिक बरगने से जिम्मेवारी आप लोग होगा, तालोपोतम सर आप होगा जिम्मेवारी, पेमा कांडू सर हमारा मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आप होगा, हम लोग बोलने दिन नहीं, आप लोग को भी खराब बात बोलने दिन नहीं, लेकिन मजबूरन आप ही लोग हम लोग को बोलने दे रहे, क्यों बोलने से किस लिए आज तक ये तुम्ही गंका को मर्डर करने लगा, अभी तो क्यों अरेस्ट नहीं किया है, गरीब लोग जब सच्चाई को आवाज़ उठाता है तो आप उसमें 10 तो कानून क्यों निकालता है, अमीर और गरीब का कानून दो है क्या, दो कानून है क्या, आज हम सवाल कर रहे हैं हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा कांडू श्री से सवाल कर रहे हैं, दो कानून होता है क्या, गरीब के लिए अलग अमीर के लिए अलग, दो कानून है क्या, हम ये सवाल कर रहे हैं मजिस्ट्रेट लोग से सवाल कर रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए आज क्यों ये सोल दोदुम लोग को किस लिए अरेस्ट किया है, हम लोग बंद कल करेगा मरने से भी मरेगा, हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए बच्चा लोग का फ्यूचर के लिए हम लोग मरेगा, माँ लोग मरेगा, क्यों नहीं मरेगा, लड़ेगा, लड़ना है आप लोग जो करना है कीजिए, मेरा नाम गदाम तसो लोलेन है, हम सिपू कॉलोनी में बैठता है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का
नारी शक्ति का प्रेसिडेंट है, डरता नहीं है। अरे हम समाज के लिए आने वाला फ्यूचर के लिए बात करने वाला क्यों हम लोग डरेगा, नहीं डरता है। और हमारा जितना आलो का आलो वासियों को और केकेसु और ऊपर का जो 27 लिरमोबा का जो तुमी गांका का होम टाउन का जो पब्लिक है उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी साथ दीजिए, जैसे भी साथ दीजिए। आलो नहीं आ सकने से भी आप लोग अपना घर में बैठिए, ये बंद कॉल को साथ दीजिए बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आ सकने से आप लोग आने से भी बहुत अच्छा है। और हमारा आलो टाउन का जितना जितना पब्लिक है, पुलिस वाला भी मजबूरन अपना ड्यूटी कर रहा होगा, लेकिन कोई भी पुलिस वाला का दिल में हमारा अगेंस्ट में खराब नहीं सोचता। उन लोग ये सर्विस से मजबूर होगा इसलिए उन लोग अपना सर्विस कर रहे हैं, उसको भी हम लोग समझता है। लेकिन पुलिस वाला का बच्चा भी तो विक्टिम बनता है, पुलिस वाला भी हर कोई अमीर नहीं होता, हमारा जैसा गरीबी है। तो आप सोचिए हर पब्लिक बाहर निकालिए, काल में भी हम लोग को अपना अपना लंच बन के आप लोग आइए, अपना अपना घर से लंच बन के आइए, क्योंकि हम लोग का पास कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ बंडकल करेगा, हम लोग जी जान से करेगा, आप लोग सब साथ दीजिए। अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो भी माफ़ कीजिएगा। आप लोग जो 72 आवर्स बंडकल है उसको आप लोग सिर्फ एएससी वैसे यूनिट और नारी शक्ति वैसे यूनिट, ये सिर्फ दो आप दोनों सिर्फ इसको कर रहे ना, जितना भी वेस्ट यंग डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ है, सभी कोलाबरेट करके कर रहे हैं ना, आप सिर्फ आप लोग आप दोनों का नहीं। एक्चुअली हमने जो है सबको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो ये बंद कॉल करने के लिए भी किसी एक का बैनर चाहिए होता है, इसीलिए एज ए मदर हम फ्रंट में आए हैं। और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही वो अभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सब साथ दे रहा है, हमने उन्हें कॉन्टेक्ट भी किया है, तो सभी साथ में है। लेकिन बैनर नारी शक्ति के टीम की तरफ से है, क्योंकि हम जो है माँ है और अपने आने वाले जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए स्टैंड है। तो सभी यूथ से भी, ऑर्गेनाइजेशन यूथ से भी, स्टूडेंट यूनियन से भी रिक्वेस्ट है, ये आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए है, तो काइंडली आप पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।